ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपको बता दें, टीवी 9 भारतवर्ष पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद एक्सक्लूसिवली और यूपी में संजय निषाद ने बीजेपी के सामने रखी अपनी मांग, एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है टीवी 9 भारतवर्ष के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सत्ता में भागीदारी दी जाए। संजय निषाद ने यह मांग की है, बीजेपी ने लोकसभा भेजने की बात कही थी। संजय निषाद साथ ये भी कहते हैं कि 2019 में बीजेपी ने खुद हिस्सेदारी देने की बात कही थी। डॉक्टर संजय निषाद, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप नड्डा साहब से मिल लिए, आप गृह मंत्री से भी मिल लिए, ठीक है, क्या तय हुआ बीजेपी के साथ गठजोड़ को लेकर? 2019 के चुनाव थे उसी समय तय था कि निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम नल निर्बलों की राजनीति करती है और सबसे ज्यादा निर्बल निषाद हैं, क्योंकि मुगलों से अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने कानून बनाकर उजाड़ा है, संविधान में इनका कानून बनाकर इन्हें बसाने का मजवार गौड़ तुरैया खरवार बिलदार खरौट कोली 7 नामों से है, और ये किसी ने नहीं, सबने धोखा दिया और इनके इनके जो आरक्षण पर डाका है, चूंकि आपकी सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में खाली एक हाथी खाती है और 27 में है। जरा आपसे मैं वो एकदम ठोस बातें कर लूं, ठोस बातें, बाकी बातें तो आप बताते रहेंगे कि हिस्सेदारी आपने मांगी है यूपी और केंद्र में? देखिए, उन्होंने खुद कह रखा था, उसी को याद दिलाने के लिए गया था, उन्होंने 2019 में जब हम लोग आए थे इनके साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर, कि भाई वहाँ जब हमें हिस्सेदारी नहीं मिली जो एक सीट देने के लिए कहा था, तो यहाँ आए तो इन्होंने कहा भाई हम मुद्दा बताइए, मैंने कहा मेरा आरक्षण का मुद्दा हल कर दीजिए, और ये इसमें कुछ है नहीं, ये खाली लेटर भेजना आपको कि इनको पिछड़ी से निकालना है और एक एक्सप्लेनेशन का मामला मझवार जो है केवट मल्ला की पर्यायवाची जातियाँ, दूसरा आप हमें पावर दीजिए, आपने कहा था कि हम पावर देंगे आपको, पावर का मतलब कौन सा पावर? उन्होंने कहा था कि राज्यसभा भेजेंगे, नहीं तो उत्तर प्रदेश में एक हाई प्रोफाइल आपको मंत्रालय दिया जाएगा, जिससे आप इस समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक सको, और वो जो मित्रता है इशारा डिप्टी सीएम मिनिस्टर जो भी है उनको, मतलब उन्होंने ये कहा था कि भाई चाहे हम कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था हम कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बना देंगे, कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा केंद्र में दो चीजें बताया था, दूसरा हम कहा था कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह आपको दिया जाएगा, जिससे कि पूरे देश के मछुआरों को आप, तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है उसमें भी शामिल किया जाए निषाद पार्टी को, और राज्य में जो होने जा रहा है उसमें भी शामिल किया जाए राज्य में? ये तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का वादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लेवल है, जो कहती है जरूर करती है, 370 है चाहे राम मंदिर है, तो ये भी मामला 2 साल अटक गया हमारे लोग। निषाद जी क्लियर कह रहे हैं कि केंद्र में हिस्सेदारी, केंद्रीय कैबिनेट में और राज्य कैबिनेट में हिस्सेदारी, निश्चित रूप से हमारे लोग इंतजार करें अपने आरक्षण, और हम अपने नेता को देखना चाहते ताकत में, कि जो कि लिखा तो है 70 साल से, लागू इसलिए नहीं हुआ कि उनका कोई नेता नहीं था, तो ये हमारा कार्यकर्ता, हमारे जो समाज के लोग हैं, यही गलती कांग्रेस ने की, नाराज हो गए, कांग्रेस खत्म हो, यही गलती सपा बसपा ने की, खत्म हो, वही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है त्रिस्तरीय चुनाव में। निषाद, 3 बातें मैं समझ पाया हूं, राज्यसभा की सीट, केंद्र में हिस्सेदारी और राज्य में हिस्सेदारी, इससे ये तीनों चीजें जो आप मांग रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैसेज क्या जाएगा आपके समाज में, निषाद समाज में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, मैं तो ये पद नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो आरक्षण मांग रहा हूँ ना, पद तो खुद उन्होंने देने के लिए कहा था, ये 3 चीजें उन्होंने वादा किया था, आप कह रहे हैं हम तो केवल समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूँ और उसे लागू कराने के लिए उन्होंने खुद कहा था कि आप तीनों जो वादे उन्होंने आपसे किए थे कब तक पूरे हो जाएंगे, क्या बातचीत? अब तो भाई अमित शाह जी ने कहा भाई शीर्ष नेतृत्व नड्डा साहब, चूंकि उत्तर प्रदेश में जब हम लोग बात उतरते थे तो यहाँ के लोग यही कहते थे भाई आपका गठबंधन, आप ऊपर से बातचीत करके आए हो वहाँ बात करो, तो 2 साल हुआ, महामारी था, हमेशा समय मांगते थे अमित शाह जी, थोड़ा समय दो, थोड़ा टाइम लगता है, तो समय दे दिया, अब चूंकि लास्ट चल रहा, अब तो मैंने कह दिया कि आप त्रिस्तरीय चुनाव में उसका हार का नतीजा देख लिया, अब उससे कम से कम सबक लीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।